ओम शांति, गुड मॉर्निंग। मीठे प्यारे बाप दादा की 11 अक्टूबर 2022 की अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। आपस में मिलकर राय निकालो, कैसे सभी को सत्य बाप का परिचय मिले। आज का प्रश्न है, बच्चे किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हैं? उत्तर है, पहले जब बुद्धि में यह निश्चय बैठे हैं कि यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, उनसे हमें सौभाग्य लेना है, तब पढ़ाई रोज पढ़े और अपना सौभाग्य ऊंच बना सकें। बाबा की श्रीमत है कि बच्चे तुम्हें किसी भी हालत में रोज पढ़ना है। अगर क्लास में नहीं आ सकते हो तो घर में भी मुरली पढ़ो। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। आत्माएं अर्थात बच्चे जान गए हैं, हम आत्मा बिंदी मिसल है, एक स्टार मुआफिक है, लेकिन जो आत्मा है वह सेल्फ के बाप को कैसे रियलाइज करे? दुनिया में कोई भी न अपने को न बाप को जानते। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी है, कितनी छोटी है, बाप भी इतना छोटा है। आत्मा से परमात्मा बाप कोई बड़ा नहीं है, शरीर तो छोटा बड़ा होता है। अब तुम शिव बाबा की याद में बैठे हो, भल कोई यह जान भी जाए कि आत्मा छोटी बिंदी है, परंतु उसमें 84 जन्मों का पार्ट है, वंडर है ना। जब तक आत्मा शरीर का आधार न लेवे तब तक पार्ट बजा न सके। वैसे परमात्मा भी हम आत्मा के मुआफिक छोटा है, परंतु बाप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह सदा ही पावन है। वह परमात्मा को न जानते भी उनको बाप कहते हैं, है ना। जैसे तुम समझ से बाबा को याद भी करते कि वही हमारे पिता हैं, वैसे वह भी याद करते हैं। इतने जो भगत हैं सबका भगवान एक है, जिसको पतित पावन कहा जाता है। तो पतित है अनेक और पतित पावन है एक। साधु संत महात्मा भी बुलाते हैं, उनको गॉड फादर भी कहते हैं। तो सबका फादर फेरा, फादर को पति से पावन बनाने के लिए यहाँ आना ही पड़ता है। पावन बनने का उपाय वही बताते हैं, क्योंकि आत्मा पर पापों का बोझ चढ़ा हुआ है। हम सिर्फ लिख दे कि बी होली बी राजयोगी, लेकिन ऐसे स्लोगन लिखने से बाबा कहते हैं लगाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाहर वाले तो ये समझ नहीं सकते हैं। बाकी तुमको समझाया हुआ है, तुमको स्लोगन की क्या दरकार है? इसका अर्थ है पवित्र बनो, बाबा को याद करो। जब तक इसको समझाया नहीं जाए तब तक कुछ वो समझ न सके। योग में रहने से ही पवित्र बन सकते हैं, कहते हैं ना, हिज होलीनेस, यह पवित्रता का टाइटल है। सन्यासियों को होली कहते हैं क्योंकि वो विकार में नहीं जाते हैं, भल वह पवित्र रहते हैं, ब्रह्म को याद करते रहते हैं, परंतु जन्म तो विकारियों के पास ही लेना पड़ता है। तुमको तो कहा जाता है पवित्र रहो और शिव बाबा को याद करो। सन्यासी अपने को कर्म सन्यासी कहलाते हैं, परंतु कर्म का सन्यास होता नहीं। कर्म सन्यास तब हो जब देह न हो, देह बिगड़ तो घर में अर्थात परम धाम में रहते, वो कर्म सन्यास होगा जब हम परम धाम में थे। यहाँ कर्म का सन्यास कैसे हो सकता है, यह कहना भी झूठ है। वह कहते जो गृहस्थी कर्म करते हैं वो हम नहीं करते। गृहस्थियों का कर्म तो बहुत है, यज्ञ तप तीर्थ आदि करते, वो सन्यासी भी करते हैं। बाकी सिर्फ फर्क यह है, वो कमाई करके खाना पका कर घर में खाते हैं जो गृहस्थी है, और सन्यासी क्या करते हैं, वो कमाने के लिए कहीं नहीं जाते हैं। सन्यासी ये नहीं करते, वह मांग कर खाते हैं, क्योंकि उनका हठ योग है, हठ योग से परमात्मा से मिल नहीं सकते। जब बाबा आए तब तो उनसे कोई मिल सके, और जब तक बाप ना आए तब तो पावन दुनिया की स्थापना भी हो न सके। कितना भी समझाते हैं फिर भी समझते नहीं। बच्चे समाचार देखते हैं इतने इतने आए, अब देखे कौन कौन अपना सौभाग्य लेता है। हम प्रदर्शनी आदि करते हैं, लोग आते रहते हैं, तो बाबा कहते देखते हैं आते बहुत है, परंतु बुद्धि में ये नहीं बैठता कि इन्हें पढ़ाने वाला परमात्मा है, हमको उनसे सौभाग्य लेना है। बाबा रजिस्टर भी देखते हैं, कोई मास में 8-10 दिन भी आते हैं,
कोई नहीं भी आते तो वह नहीं लिखते, अगर कोई नहीं आता है तो वह मुरली पढ़ता है वह नहीं। किसी भी हालत में रोज पढ़ना पड़े, जैसे जप साहेब सुखमणि छोटे छोटे बनाते हैं, समझते हैं कैसे भी करके वो पढ़ सके। तुम समझते हो उस पढ़ने से क्या प्राप्ति होगी, कुछ नहीं, करके थोड़े समय के लिए बुद्धि ठीक होगी, परंतु बाबा से कोई मिल नहीं सकता और फिर विकार में भी फंस जाते हैं तो फिर उनसे कोई प्राप्ति नहीं होती है। कहते भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, बरोबर अब विनाश का समय है और कोई भी परमात्मा को नहीं जानते हैं। कहते भी है हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो जानना चाहिए ना। हाँ तो तीन लोग भी कहते हैं ना, सूक्ष्म वतन स्थूल वतन। कहते हैं शास्त्र अनादि है परंतु बाप समझाते हैं, जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से शास्त्र शुरू होते, तो द्वापर युग मध्य में मध्य हो गया, आधा कलप सतयुग आधा कलप कलयुग, सतयुग और त्रेता युग आधा कलप हो गया, द्वापर कलयुग आधा कलप, आधा का हिसाब है वह मध्य को नहीं जानते, क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते। कहना चाहिए शिव बाबा को जानो, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनो तब वर्षा मिले, पहले कोई आते तो पूछो कहाँ आए हो। कहते हैं हम तो बीके के पास आए हैं, तुम कहो विचार करो, इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं तो ब्रह्मा बाप भी होगा ना, कितने सेंटर्स है ढेरों के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ है, भला इतने बच्चे एक बाप को कैसे हो सकते हैं। लिखा है प्रजापिता तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, ऐसे ऐसे समझा कर खड़ा करना चाहिए, फिर भला ख्याल करो प्रजापिता ब्रह्मा किसका बच्चा है, इतने बच्चे रचना तो परमात्मा का काम है ना, तो परमात्मा आते होंगे ना। गाया है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो बाप ब्रह्मा हो गया ना, तो परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, कन्वर्ट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, वर्षा देने पावन बनाते हैं, कैसे याद से। कहते हैं सब धर्मों को भूल मामे कम याद करो, सभी बुलाते हैं मैं नॉलेज फुल ब्लिस फुल। देखो बाबा कौन कौन है, बाबा की महिमा है ना, नॉलेज फुल ब्लिस फुल लिबरेटर गाइड, तो सुखधाम में ले जाता हूँ, सुख कहाँ है, सुखधाम में है, सतयुग में है, अभी बाप ले जाता है शांति धाम में, फिर आते हैं सुखधाम में, ये बातें कैसे याद करे, रोज रोज बोलते रहे औरों को समझाते रहे तो पॉइंट्स बुद्धि में आती रहती है, जब किसको समझाओ तो उनसे लिखा देना चाहिए, परमात्मा जो आत्माओं का पिता है उनकी एड्रेस लिखानी चाहिए, बाप शिव है तो बाप से वर्षा कैसे ले, तो मेहनत करनी चाहिए, परंतु मेहनत करे भी कम, इसलिए बच्चों को खुद खड़ा होकर औरों को खड़ा करना चाहिए, और सर्विस के लिए प्लान्स बना देते हैं, जैसे मिलिट्री के बड़े बड़े कमांडर्स आपस में मिलते हैं ना, तो यहाँ भी बच्चों को मिलना चाहिए, परंतु क्या करें आपस में मिलते ही नहीं हैं। वास्तव में तुम ब्राह्मणों का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, कोई राय निकालनी चाहिए किसको कैसे समझाएं। देखो लक्ष्मी नारायण की कितने मंदिर हैं, तो मंदिर बनाने वाले को मिलना चाहिए, आपने यह मंदिर बनाया परंतु जानते हो इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर राज्य कैसे गवाया। श्री कृष्ण का चित्र बहुत अच्छा है, इसमें 84 जन्मों की कहानी बड़ी अच्छी है, सिर्फ यह चित्र बड़ा बनाना चाहिए। बाबा कहते कोई आए तो युक्ति से पूछना चाहिए, आपने गीता पढ़ी है, फिर भल बताओ गीता का भगवान कौन है, तो ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। कहते हैं ना तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो यह ब्रह्मा माता हो गई तो उनके साथ संबंध भी रखना चाहिए, अगर उनसे प्यार गया तो खेल खलास, बाप से वर्षा कैसे पाएंगे, है ना। हाँ ब्रह्मा बाबा को यदि नहीं मानेंगे उनकी नहीं सुनेंगे तो कैसे फिर मिलेगा, हाँ वर्षा नहीं मिल सकता। तुम्हारी लड़ाई पुराने दुश्मन से है, कोई को मालूम नहीं है रावण से कोई युद्ध होती है। कहते हैं शशि की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, तो हिलती कितनी है, दूसरे सत्संगों में हिलने की तो बात ही नहीं है, यहाँ तो माया से युद्ध है, जब तक बाप को नहीं समझाए तब तक फल लिख कर देवे, परंतु तोता कंठी वाला नहीं बनना है, जंगली तोता आया, अच्छा तोता कंठी वाला नहीं बना है, बाबा कहते वो अभी तक ज्ञान सुनाने लायक नहीं बना है, तो जंगली तोता आया गया,
अल्प को समझना चाहिए। ऐसे प्रजा तो ढेर है, बाकी राजा ही के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। देखो आएंगे, थोड़ा सुनेंगे, मानेंगे, लेकिन बाबा कहते राजा ही के लिए खड़ा होना चाहिए। बत्ती पर भी फिदा हो जाए तो सो बड़ा मुश्किल होता है। मना शिव ज्योति जो है हमारी, शिव बाबा है, शिव क्षमा है, उनके ऊपर बलिहार। अच्छा, रात्रि का क्लास है, तुम बच्चों को बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है, बच्चे बाप को याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा फुर्सत नहीं मिलती। अब फुर्सत कहाँ चली जाती है भाई, जरूर माया तुम्हारा समय ले लेती है। माया भी बड़ी ज़बरदस्त तिकी है जो तुमको बाप को याद करने की फुर्सत नहीं देती। तब तो कहते हो बाबा सारे दिन में आधा घंटा 20 मिनट याद में रहे, कोई मुश्किल ही सारे दिन में 2 घंटा बाप को याद करते होंगे। जो समझते हैं हम 2 घंटा याद करते वो हाथ उठाओ। वह स्थूल याद पुरानी याद तो चलती आती है, ये तो इनकॉर्पोरियल, इनको अपना आग कान तो है नहीं। बच्चों को कहते हैं मामी कम याद करो, अपने को आत्मा समझो। तो बाबा पूछ रहे हैं कितना घंटा याद में रहते हो। बच्चे खेलने जाते हैं तो टीचर को याद करते हैं, घर में पढ़ते हैं तो भी टीचर याद रहते हैं, तो वो है स्थूल याद। इसमें तो है थोड़ी डिफिकल्टी। तो बाबा पूछते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को 2 घंटा जो याद कर सकते हैं वो हाथ उठाओ। देखो पूरे दिन में भी 2 घंटा तो कर सकते हैं, क्या बात है, लज्जा नहीं करो, एक्यूरेट बताओ। तुम यहाँ बैठते हो बाबा मुरली चलाते हैं तो बुद्धि दूसरे तरफ चली जाती है, इतना बुद्धि में धारणा भी नहीं होती। जैसे यहाँ सुबह में 1 घंटा बाबा समझाते तो क्या वो 1 घंटा बाबा को याद करते हो, या बुद्धि बाहर भी चली जाती है मुरली के समय में भी। बरोबर, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि कहाँ ना कहाँ चली जाती है, सारा नहीं सुनते। अगर सारा बैठ करके सुने और नोट करते रहे तो बाबा कहेगा हाँ इनका योग ठीक है। तो सुनते समय अटेंशन देना है और पॉइंट्स पूरा लिखना है, अगर लिंक टूटेगी तो पॉइंट भूल जाएगी। बाबा समझाते हैं बच्चे हार्ट फेल का मौत बहुत मीठा है। देखो आज बाबा हार्ट अटैक के बारे में बोल रहे हैं, कैसे मीठा है, अच्छा है, इसमें तेरा मेरा फेरा कुछ भी नहीं है। बैठे बैठे यह गिरा, बेहोश हुआ और खलास। हमारे बीज अब्दुल कलाम जी भी देखो कैसे लेक्चर देते देते 1 सेकंड में जैसे अटैक आया नीचे बैठ गए, प्राण पखेरु उड़ गए, जैसे मक्खन से बाहर निकल जाए। कितनी बड़ी पुण्यात्मा है ये, है ना। बाबा कहते हैं ऐसी भी मौत भी देखो कोई तकलीफ नहीं, ना दूसरों को ना खुद को। तो बाबा कहते फिर होश में आए ही नहीं, ये बहुत अच्छी मौत है। बाकी मनुष्य तो रोते पीटते हैं बाकी बीमारियों में, तुम तो खुश होंगे। ठीक है, लोग तो अभी मरेंगे तो कोई मरेगा तो रोएंगे भी। बाबा कहते हैं कि तुम खुश क्यों होंगे, अरे वाह इनका मौत तो बड़ा सहज हुआ, इनको कोई दुख नहीं हुआ। मराठी में भी कहते हैं ना तुकाराम महाराज हमारे क्या कहते हैं, इतना इतना सारा एवढा सारा अट्टहास कशासाठी, शेवटचा क्षण गोड व्हावा यासाठी। इतना सा पुरुषार्थ हम किस लिए कर रहे हैं, हमारा अंत समय सुहाना हो जाए। अगर मौत हो तो ऐसी, नहीं तो दवा नर्स ये बहुत बहुत होते हैं ना, इसलिए जो बैठे बैठे अपनी इस पुरानी जुत्ती को छोड़ दे, कर्मातीत अवस्था हो ऐसे ही शरीर छोड़े तो वो सबसे अच्छा। तुम आगे चल करके देखेंगे अनायास बॉम्ब छूटेंगे और सब बैठे बैठे चले जाएंगे, चेहरा भी हर्षित होगा। जैसे कभी कभी अच्छे मौत होते हैं तो देखने वाले कहते हैं ना ये तो जैसे जागता है, ये तो हर्षित है, माने चेहरे पर कोई भी डरावनी बात नहीं होती है, बिल्कुल शांति से आत्मा चली जाती है। ऐसे तो कोई कह नहीं सकेंगे कि ये मर गया है, आत्मा हर्षित होके जाती है ना। तो आत्मा में अगर हर्षित बना होगा तो चेहरे से बाहर वो दिखाई तो देगा ना। आत्मा कोई खत्म तो नहीं होती, आत्मा शरीर छोड़ती है तो बड़ी खुशी से ये शरीर हंसते हुए छोड़ देगी, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। वही इतना ऊंच गाए जाते हैं, तुम बच्चों को ऐसे ही जाना है, शरीर की कोई भी परवाह नहीं और दूसरी कोई चीज़ याद ना आवे।
इसको कहेंगे सबसे मीठा आपे ही शरीर छोड़ना, इसलिए सर्प का भी मिसाल देते हैं। सतयुग में ऐसे होता है जो खुशी से शरीर छोड़ते हैं। तो प्रैक्टिस यहाँ से होगी, पीछे वह प्रैक्टिस चलती रहेगी। तुम बच्चे बाबा को कितना प्यार से याद करते हो, अंग्रेजी में कहा जाता है मोस्ट बिलवेड, परम प्रिय, बहुत बहुत मीठा। लोगों को तो परम प्रिय, मोस्ट बिलवेड नहीं कह सकते। बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सतगुरु भी हूँ। तुम कभी टीचर को भूल जाओ तो बाप को याद करो, बाप को भूल जाओ तो सतगुरु को याद करो। बाबा गाइड है ना, गाइड को पंडा कहा जाता है। वो दुख से लिबरेट करने वाला, शांति धाम में ले जाने वाला है, उसके पीछे है सुखधाम। तो तुमको यह ज्ञान भास मिलता है, फिर इसको विचार सागर मंथन करते हो। जैसे गाय का मुख चलता रहता है, तुम्हारा मुख तो चलने की दरकार नहीं है, बाकी अंदर में सब कुछ याद करना है मन बुद्धि में। जैसे तुम हो ऐसे हम भी हैं, हमको तो और भी कम घंटे मिलते हैं, क्योंकि हमारा बुद्धियों बाहर में बहुत जाता है। मना ब्रह्मा बाबा अपना पुरुषार्थ बताते हैं कि मुझे तो इतना टाइम नहीं मिलता है, आप बच्चों को तो अच्छा टाइम मिलता है सेवा के लिए या योग के लिए। तो बाबा भी करते हैं, लेकिन क्या होता है देखो, जिसके ऊपर थोड़ी जिम्मेवारी होती है, हमारा बुद्धियों बाहर में बहुत जाता है। कभी कोई की छुट्टी आती है, फलाने की खिटपिट हुई है, ये है वो है, कुछ ना कुछ। ब्रह्मा बाबा के टाइम पे बहुत सारी जिम्मेवारियाँ तो उनकी तरफ थी ही, उनके सर पे। तो बाबा कहते हैं सारा दिन बुद्धि उसी में जाती, परंतु तो शायद बच्चों से जास्ती बाबा को सहज है। फिर भी बाबा कहते हैं कि मुझे ज़्यादा सहज है बाप को याद करना, क्योंकि बगल में साथ में यहाँ रहता है। जब बाबा भोजन खाने के लिए बैठते हैं तो सोचते हैं अच्छा मैं बाबा को याद करता हूँ, दो तीन मिनट याद करते हैं, याद रहती है, फिर भूल जाता हूँ, याद हवा मुआफी उड़ जाती है। बच्चे ट्राई करके देखो, हम बच्चों का भी यही अनुभव है ना। सहज होते हुए भी याद में टाइम तो लगता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लगे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी माता पिता बाप दादा का दिल व जान सीख व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है आपस में बहुत प्यार से रहना है, मिलकर राय निकालनी है किस युक्ति से हर एक तक बाप का संदेश पहुँचाएँ। यह विनाश का समय है, इसलिए एक बाप से ही सच्ची प्रीत रखनी है। योग से आत्मा को पावन बनाना है, वरदान है। स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। एक तरफ राज्य, दूसरे तरफ ऋषि, अर्थात बेहद के वैराग्य। ऐसे राजऋषि कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में लगाव नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश है, और वैराग्य है तो पुरानी दुनिया में संकल्प मात्र भी लगाव जा नहीं सकता है। इसलिए स्वयं को राजऋषि समझना, अर्थात राजा के साथ साथ बेहद के वैरागी बनना स्लोगन है। समझदार वह है जो सब आधार टूटने के पहले, समझदार वह है जो सब आधार टूटने के पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। आधार कार्ड स्वराज्य के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राजऋषि भाई बहनों को ओम शांति, हैव अ नाइस डे।